हैप्पी बर्थडे टू यू, ये बहुत गाइस सबको जोहार एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज एक स्पेशल डे है मेरा, आज हमारा शादी का पहला सालगिरह है गाइस, और फिर भी आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ऐसा बारिश में, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है गाइस। अभी निकलने का भी कुछ मतलब चांसेस नहीं है, रेनकोट से भी नहीं, क्योंकि ठाकुर अभी तक घर से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा छूटा था, पर फिर से ज्यादा मतलब बारिश हो रहा है, अभी इतना ज्यादा हो रहा है कि निकलना मुश्किल हो गया। और बाकी अमिता लोग फोन किया था, अमिता से बात हुआ कि वहाँ वो लोग पहुंच गए, बस हम ही लोग का इंतजार है कब हम लोग निकल पा रहे हैं, देखते जाना तो है ही, क्योंकि सेमीफाइनल मैच है आज गाइस वहाँ गेतलसुद में, उधर बारिश नहीं हो रहा है, नहीं तो अगर बारिश होता तो आज हो सकता था कैंसिल हो जाए वहाँ का मैच, पर उधर बारिश नहीं हो रहा था, हम लोग को जाना ही पड़ेगा, और इधर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है गाइस। तो देखते कब छूट रहा है और ठाकुर कब आता है, भीग भीग के आ रहा है या फिर रेनकोट पहन के आ रहा है, देखते हैं। और मेरे पास भी रेनकोट है तो रेनकोट पहन के ही जाएंगे, और जैसे ही आता है उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। और गाइस वही लड़के लोग रहेंगे जो पिछला गेतलसुद में खेल के आए पिछला मैच में, और कुछ हो सकता है एक दो प्लेयर नहीं रहेंगे, तो देखते हैं जाके कौन प्लेयर नहीं आए हैं और कौन आ रहे हैं, तो सबको बताऊंगा मैं, दिखाऊंगा। तो चलिए वेट करते हैं ठाकुर का और निकलेंगे, जैसे ठाकुर आता है उसके बाद निकल जाएंगे। और गाइस बिटकू भी पूरा ठंड से कैसा लेटा हुआ है, देखिए इसको बांधना पड़ रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, और उसके लिए डंडा रखा हुआ है, ज़्यादा नाटक करता है तो इसको दिखाने से ही डर जाता है और ऐसे लेट जाता है गाइस। बहुत ठंड है गाइस, इसीलिए इसको भी ठंड लग रहा है और बाहर जाने का समय भी नहीं मिल रहा है। तो गाइस देखिए कितना बारिश हो रहा है, कितना बारिश हो रही है, ऐसे में कैसे निकलेंगे हम लोग, ठाकुर कैसे आएगा मेरे पास, जैसे छूटेगा, और छूटने का चांसेस बहुत कम लग रहा है, क्योंकि अगर इस टाइप का बादल दिखता है तो मतलब चांसेस बहुत कम रहता है। देखते हैं कब छूट रहा है या फिर कम हो रहा है, तो निकलेंगे हम लोग ठाकुर आने के बाद। तो गाइस बाल मेरा भीगा है, सुखा है ड्रायर से, और बहुत सिल्की है मेरा बाल गाइस। गाइस देखिए अभी छाता पकड़ के निकला हूँ मैं, अभी इतना बारिश हो रहा है कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए अभी पैदल निकल गए हैं उम्मीद के लिए, मेन रोड के लिए, वो लोग आएंगे और मैं। तो गाइस मेरे को आज पैदल निकलना पड़ा, क्योंकि ठाकुर के पास रेनकोट नहीं था, तो गाड़ी उसके तरफ उसके घर गई, हमीद दालोग सबको ही, और मेरे को पैदल निकलना पड़ा, मेन रोड निकलना पड़ रहा है। तो अभी मैं इधर से मेन रोड निकलूँगा और वो लोग ठाकुर को लेके आएंगे मेन रोड में, फिर वहाँ से मैं भी चढ़ूँगा। तो गाइस ये लोग पहुँच गया है मैं ठाकुर को लेकर मेन रोड में, बस मैं 2 मिनट दूर हूँ अभी वहाँ मेन रोड पहुँचने में, बस वो लोग खड़े हुए हैं और हम पहुँचते ही वो लोग हम लोग सब निकल जाएंगे। तो गाइस फाइनली अभी पहुँच गए हैं मेन रोड, और ये लोग साइड खड़े हैं मेन रोड में, साइड में खड़े हैं, और मैं जाऊँगा चढ़ूँगा और उसके बाद निकलूँगा। गाइस अभी बैठ गए हैं गाड़ी में और सब थोड़ा बहुत नाराज है मेरे से, ठाकुर से थोड़ा लेट हो गया। देखिए आजकल प्लेयर लोग को पहचान था, पूरा पट्टी बांध के गुस्से से माथा तो ठंडा कर रहा है। इधर विकास बबलू दा अटप्पा, आज तो धोना दा भी है, धोना दा ए धोना दा सगुन से था, जोहार जोहार। और आज का बर्थडे बॉय को देख लीजिए, गुजू हैप्पी बर्थडे भाई, खर्चा करना होगा लड़के बर्थडे का। अच्छा आज गुजू का बर्थडे भी है गाइस, मिस कीजिएगा सबको कमेंट में। तो चलिए अभी यहाँ से निकल गए हैं। तो गाइस अभी होटल पहुँच गए, सब खाना खा रहे हैं हम लोग यहाँ, तो देखिए इतना कौन सोता है भाई, आँख को फुला दिया है कौन तोर फेंकेली।
सब खा रहे हैं। मस्त अभी गर्मा गर्म खाना खा लिए, गर्म गर्म खाना बना था और इसमें थोड़ा गर्म गर्म चीज खाने से बहुत अच्छा लगता है। तो अभी खाना खा लिया और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे गाइस। बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको क्या बोले, मेरे को तो अब काम करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है क्योंकि लगातार मैच चल रहा है गाइस। लगातार मैच में अगर ऐसा हैवी ग्राउंड मिल जाए यानी कि कादो वाला ग्राउंड, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता है और सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है और लगातार मैच होते आ रहा है। देखते हैं गाइस क्या होता है फिर भी, क्योंकि मौसम का तो कुछ ये नहीं है, क्योंकि मैच है हम लोग को खेलना ही पड़ेगा और सेमीफाइनल मैच है, एक मैच जीतते हैं तो फाइनल उठ जाएंगे। चलिए खालिया अभी यहाँ से निकलते हैं। हम लोग का धोना था आज बॉक्सिंग थोड़ा प्रैक्टिस करेगा शायद। ओ बाप की भरो अच्छा बोला ना ए वाह, ये कौन बॉक्सर है भाई, छिप छिप के मार रहा है। जोर से मार, तो जोर से मार के दिख, जोर से मार। बर्थडे बॉय मार रे, तो तुम्हें बड़ी मारे देखा, रागे मार, रागे मार। वैसा बॉक्सिंग नहीं होता है, उसको हम लोग ठेला मार बोलते हैं। ले लीजिए तो थोड़ा दिखाइए बॉक्सिंग, आपका इतना बॉडी है। ये जियो, कल से बॉडी और ज्यादा बढ़ जाएगी। पहुंच गए गेतन सूद और बाहर तो दिख ही नहीं रहा, पूरा शीशा वीशा लगा दिए हम लोग, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। पता नहीं अभी मैच कब चालू होगा, देखते हैं। अब इतना बारिश में कैसे चालू करेगा लोग, पता नहीं, अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। टाइम भी हो गया लेकिन मैच का अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो रहा मैच का। चलिए देखते हैं कब मैच हो रहा है और मैच के बाद मिलते हैं। तो गाइस फाइनली आज भी हम लोग फाइनलिस्ट टीम बन गए हैं गेतन सूद का, और वहाँ पर फाइनल मैच है 10 तारीख को है गाइस। तो इतने फाइनल मैच में क्या होता है, और गाइस आज एक स्पेशल डे है, उसको थोड़ा हम लोग को मनाना है। आज गुजू का बर्थडे है, उसको गिफ्ट भी थोड़ा करना है, और आज मेरे को मैन ऑफ द मैच मिला, उसमें से मैं उसको गिफ्ट करूँगा। क्या गिफ्ट करूँगा आप लोग देख लीजिएगा। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं गुंडू होटल में, यहाँ खाना वाना खाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। चलिए पहले गुजू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं थोड़ा। तो गाइस गुजू का केक आ गया है, देखिए कैसा है, बड़ी मस्त इंतजाम किया हम लोग गुंडू में। अभी सेलिब्रेट होगा थोड़ा देर बाद में। देखिए ये है गुजू का केक, लिखा भी हुआ है हम लोग गुजू, तो गुजू का बुढ़ा हो रहा है, टेंशन चालू होने वाला है, देसी जुगाड़ हो रहा है गाइस। मोमबत्ती का भी मिला नहीं, मोमबत्ती बस हम लोग केक लेके आए। आप भी बैठिए मोमबत्ती का लगा लगाया, देख तुम बैठेगा ठीक है। अच्छा गुजू बीच बैठ बैठ बैठ, अरे बैठो ना, अरे तुम आराम करो, दे ठाकुर बर्थडे बॉय को थोड़ा बैठने दे भाई। फुल मेहनत चल रहा है गुजू का बर्थडे के लिए, देखिए मोमबत्ती को कैसे सजा रहा है, देखिए घर चंदा का तरीका सही है। वाव, एक ही मोमबत्ती को कितना सारा कर दिया। सब आ गया, सब आ गया ना, और इधर सब कुछ रेडी, मोमबत्ती भी अपना जल रहा है, और अभी बर्थडे बॉय, अरे सीधा आ जा भाई, अरे तुम काटेगा क्या, साइड हो ना, उसको देना चाकू, क्या फूक लो, अरे बर्थडे बॉय के फूकते थे। तो गाइज अभी स्टार्ट हो रहा है अपना गुजू का सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो चलिए अभी गुजू का केक कटिंग होगा, चलो चलो स्टार्ट। ताली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गुजू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये बहुत बहुत अच्छा।
सबको खिला दे भाई। आज लिखने वाला लड़का आ गया। हैप्पी बर्थडे बुजू। थैंक यू। दे हम घनश्याम दा खिला रहा। घनश्याम दा हो गया। और विकास जाओ जाओ खा बजाओ। फुलचंद फुलचंद रसोई दिए दिए खा बनाए अभी। तो गाइज अभी मेरा सबको ही खिला लिया। अभी मेरा टाइम आ गया है और मैं अभी गुजू को एक गिफ्ट दूंगा अपने टीम के तरफ से, जो आज मेरे को मिला मैन ऑफ द मैच, वो आज गुजू के नाम करूंगा। तो क्या है पता नहीं, मैं भी खोल के नहीं देखा हूँ अभी तक। तो देखते हैं क्या है। कैमरा थोड़ा पकड़ो। थोड़ा खोल के देखिए, खोल के क्या क्या गिफ्ट दिया। गाइज अभी देखेंगे कि क्या गिफ्ट मिला है और वहाँ भी हम लोग खोल के नहीं देखे थे मैन ऑफ द मैच में क्या मिला है। और गुजू को इसको हम लोग गिफ्ट कर दिए आज का। क्या हमें तो पहले ही बोल देते हैं। देख रहे हैं क्या है। ऐसे करो, ऐसे करो, खड़ा करो। अरे मस्त टी शर्ट है तो। वाओ तो हम भी सबको देख लिया भाई। चलो ठीक है, गुजू के तरफ से हम लोग को मीठा मिल रहा है आज, रसगुल्ला। देखिए ये, थैंक यू गुजू भाई। मैं एक ले रहा हूँ, बाकी सब ले। थैंक यू गुजू। फोन में बिजी। तो गाइज हम लोग खाना भी खा लिए और आज का बर्थडे सेलिब्रेट भी कर लिया। गुजू का मजा आ गया, उसको गिफ्ट भी मिल गया गाइज। और आज हम लोग का मैच जो हुआ वो 2-1 से हम लोग जीत गया। फाइनल मैच फाइनल में उठ गया है। तो 10 तारीख को है गाइज फाइनल यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइज देखते हैं 10 तारीख को हम लोग का फाइनल क्या होता है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, यहीं पर वीडियो एंड करेंगे क्योंकि घर जाकर फिर एडिटिंग करना पड़ता है तो टाइम नहीं मिलता है गाइज, सोना भी पड़ता है। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।